So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam. So, बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं. और आज का जो स्पेशल टॉपिक है बच्चों, वो है नीट 2019 उड़ीसा पेपर सॉल्यूशन बाय SP लेसन टीम. बच्चों नीट 2019 का पेपर तो आप सबने देखा होगा, लेकिन नीट 2019 उड़ीसा का पेपर बहुत कम लोगों ने देखा है. और ये जो पेपर है बच्चों, इसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार नीट में. तो ये 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. आज हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, 45 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स ऑफ नीट 2019 उड़ीसा पेपर सॉल्यूशन. सो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर वन से. द क्वेश्चन नंबर वन इज दैट टू मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस आर एंड द अदर ऑफ रेडियस 2R. ओके, सो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए. एक का रेडियस तो आपको गिवन है आर, एंड द सेकेंड इज दैट रेडियस ऑफ 2R. ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. रेस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. इसका मतलब इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. दे आर ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड. ओके, वॉट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन देम. ओके, आपको सिग्मा वन और सिग्मा टू का वैल्यू निकालना है. बहुत ईजी सवाल है बच्चों. पहले दोनों पे सिग्मा थी, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस 2R है. तो अगर आप इसके लिए Q1 लिखोगे, सो Q1 कितना होता है बच्चों, सिग्मा इंटू ए. तो ए कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया कितना हो जाएगा, 4π मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर. इसी तरह से आप इसके लिए Q2 लिखोगे बच्चों, तो Q2 कितना आ जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए कितना हो जाएगा, 4π मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, मीन्स 2R का स्क्वायर. ये आपने लिख लिया. अब आपको पता है बच्चों क्यू नेट कितना हो जाएगा, क्यू नेट विच इज इक्वल्स टू Q1 प्लस ऑफ Q2 विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16 and 4, ये टोटल 20 हो जाएगा. सो वी कैन राइट 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर. ओके, सो अगर आप Q1 और Q2 का रेशो लोगे बच्चों, अगर आप Q1 और Q2 का रेशो लोगे तो वो कितना होगा बच्चों, वो आ जाएगा 1/2. ओके, तो इसका मतलब आपके पास एक तो Q1 Q2 का रेशो आ गया और एक Q1 प्लस Q2 आ गया. यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप. तो Q1 कितना आ जाएगा बच्चों, 20/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर. और Q2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20/3, 40/3, 60/3 मतलब 20, यस. तो ये आ जाएगा 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर. ये कैसे निकाला बच्चों, रेशो मेथड से निकाला. आपको आना चाहिए रेशो मेथड, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप. ओके, अब बस अब आपको क्या करना है, सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू निकालनी है. आपके पास Q1 Q2 आ गया. तो सिग्मा वन जो हो जाएगा बच्चों, सिग्मा वन जो हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई ए. Q1 की वैल्यू ये रही. ओके, और ए कितना हो जाएगा बच्चों, 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4π इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. ओके, फिर इसको आप इसको करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, ये आ जाएगा 5/3 सिग्मा. इसी तरह से आप सिग्मा 2 निकालोगे बच्चा पार्टी, तो वो कितना आ जाएगा, Q2 बाई ए. एरिया की जगह आप कौन सा वैल्यू पुट करोगे बच्चा पार्टी, ये रखोगे 4π मल्टीप्लाइड बाई 2R का स्क्वायर. इसी को उसको आप सोल्व करोगे बच्चा पार्टी, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये भी आ जाएगा 5/6. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सॉल्यूशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सारा सवाल बच्चों. अब ये जो सवाल है ये आपको दिख रहा है SHM से है. द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड इज. बच्चों एक्चुअली में ये डायरेक्ट डेटा है, आप इसको याद भी कर सकते हो. ये 4 आता है एम्पलीट्यूड का 4 times. अच्छा, इसको सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, देखो ये मीन पोजिशन है. ओके, ये मीन पोजिशन हो गई. ओके, तो यहाँ से अगर आप जाओगे इस तरफ तो ये आ जाएगा प्लस ए, और अगर ये जाओगे इस तरफ तो ये आ जाएगा माइनस ए. बिकॉज डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है. तो आप पहले यहाँ गए ए, फिर यहाँ गए 2A, यस ओ नो. ये यहाँ से ए, फिर यहाँ तक आए 2A, फिर यहाँ तक आए 3A, और वापस यहाँ हो गए, ये हो जाएगा 4A. ओके, तो वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, 4A. सो द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है बच्चों, ए मास फॉल फ्रॉम ए हाइट h, ओके, एंड इट्स टाइम ऑफ फॉल इज t, इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ टाइम
पीरियड कैपिटल टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, मतलब SHM से ही सवाल है ये। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट्स फाउंड दैट टाइम जो है वो टूटी है। द एंटायर सेटअप इज टेकन ऑन द सर्फेस ऑफ द अनदर प्लानट हुज मास इज हाफ ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस इज द सेम। सेम एक्सपीरियंस इज रिपीटेड इन करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड टी डैश एंड टी डैश विल बी। ये आपको निकालना है बच्चों। अब आपको इसमें डायरेक्टली फंडा दौड़ा सकते हो बच्चों, एक डायरेक्टली ट्रिक भी आती है, मैं आपको बताता हूँ। टी जो होता है वो किसके इक्वल होता है आपको पता है, रूट टू एच अपॉन जी। इसका मतलब टी जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट जी के, ओके। और आपको ये भी पता है बच्चों कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो आता है टू पाई रूट एल बाई जी, ओके। टू पाई रूट एल बाई जी इट्स मीन्स यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट जी के, ओके। अच्छा अब ये जो है बच्चों इंडिपेंडेंट है रेशो ऑफ टी ओ एफ एंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, ओके। सो टी डेज जो होगा वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, वो आएगा टू टी के इक्वल ही आएगा, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्निंग फॉर्क मतलब बच्चों किससे है, ये वेव से सवाल है, वेव मोशन से। ए ट्यूनिंग फॉर्क विद फ्रीक्वेंसी दे रखी आपको 800 हर्ट्ज प्रोड्यूस रेजोनेंस इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विद अपर एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोज्ड बाय वाटर सरफेस। सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑब्जर्व्ड एट द लेंथ 9.75, 31.25, 52.75 द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज। ये आपको पूछा है बच्चों। अब जो जो डेटा दे रखा बच्चों वो लिख लो आप। आपको फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, आपको गिवन है 800 हर्ट्ज, ओके। आपको वी पता है बच्चों वो कितना होता है 2f L2 माइनस L1, ओके। यहाँ पे L1 कितनी गिवन है बच्चों आपको, L1 गिवन है 3.75, ओके। और L2 कितनी होगी बच्चों, नाइन पॉइंट सेवन फाइव। और L2 कितने हो गए बच्चों आपके पास, 31.25, ओके। इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें अपने, तो वी कितना आ जाएगा, 2 × 800 × L2 − L1, 31.25 माइनस 9.75, 31.25 माइनस 9.75। आफ्टर फर्दर सॉल्विंग ये कितना आएगा बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली 344 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी, ये कंजर्वेशन मोमेंटम से है शायद, यस। 20 IK प्लस 25 JK माइनस 12 KK सडनली ब्रेक इनटू टू पीस हुज मासेस आर इन 1:5, ओके। इसका मतलब m/6 और 5 m/6 हो गया डायरेक्टली। देखो बच्चों डायरेक्टली दिमाग दौड़ाया करो, ज़्यादा इधर उधर देखना करना ये नहीं है, ज़्यादा सोचने का नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी, इजीली आंसर आएगा। द स्मॉलर मास फ्लाइज विद द वेलोसिटी, ये दे रखी है, द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस विल बी। तो सबसे पहले सोचो बच्चों, ये मास था स्मॉल m, ओके। अब ये जो जा रहा था बच्चों ये v नॉट वेलोसिटी से जा रहा था, इसके बाद में क्या हुआ बच्चों, ये ब्रेक हो गया टू पीस में जो 1:5 में। इसका मतलब अगर ये पहला वाला m/6 हुआ जो कौन सी वेलोसिटी से जा रहा था, v1 से, दूसरा वाला कितना हो जाएगा ऑलरेडी 5 m/6, ओके। देख लो ये 1:5 में ये ऐड करोगे तो m ही आएगा, ओके। ये जा रहा है बच्चों v2 वेलोसिटी से, ओके। तो लार्जर पीस कौन सा है इसमें से बताओ मुझे बच्चों, लार्जर पीस कौन सा है, 5 m/6। तो इसकी वेलोसिटी आपको बतानी, मतलब आपको v2 बताना है कितना होगा, ओके बच्चों। तो आपको पता है मोमेंटम कंजर्व रहता है बच्चों ऐसी चीज़ों में, तो क्या हो जाएगा, p इनिशियल विच इज इक्वल्स टू p फाइनल कर दोगे आप, ओके बच्चा पार्टी, ओके। p इनिशियल कितना, m × v0 वैक्टर विच इज इक्वल्स टू m/6 v1 वैक्टर प्लस 5 m/6 v2 वेक्टर, ओके। अच्छा v नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है, पुट करो उसको, ये हो जाएगा बच्चों मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विच इज गिवन एज 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस ऑफ 12 k कैप विच इज इक्वल टू m/6। v1 वेक्टर कितना हो गया बच्चों, ये गिवन आपको 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस ऑफ 8 k कैप, ओके बच्चा पार्टी, प्लस m/5 m/6 v2 वेक्टर। v2 वेक्टर की वैल्यू पुट मत कर देना, नहीं तो पता पड़े निकालना क्या है।
इसको सॉल्व करोगे बच्चों, देखो ये m, ये m और ये m, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैलकुलेशन है। सॉल्व करोगे आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 4 IK प्लस 23 JK माइनस 16 KK। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ओके, कंसेप्ट बताना था, कंसेप्ट ये है ऐसी चीज़ों में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, डायरेक्ट बम वाला सवाल है ये, तो बम फूटता है वो वाला। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन अ लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, टेक 12 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। द टाइम टेकन टू कूल फॉर द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 70 टू 60 डिग्री। न्यूटन्स का कूलिंग लॉ नियम लगा दो बच्चों, ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला है इसका, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T विच इज इक्वल्स टू K T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T माइनस ऑफ TS। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है। ओके, पहले 80 माइनस 70 वाला रखोगे तो 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाय टाइमिंग कितना दे रखा है आपको 12, विच इज इक्वल्स टू के 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ, अच्छा सराउंडिंग टेम्परेचर 25, ये 25 रख दिया बच्चों आपने। ओके, ये इक्वेशन नंबर आप इसको दे दो 1, ये फर्स्ट कंडीशन में लगा दिया। सेकंड वाली में लगाओगे बच्चों कितना आ जाएगा, 80 माइनस 70 डिवाइड बाई टाइम निकालना है आपको, विच इज इक्वल टू के 80 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ 25, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपके पास टी आ जाएगा बच्चों, टी कितना आएगा आपके पास 15 आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हीट ट्रांसफर से था बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हीट ट्रांसफर से। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है बच्चों, विस्कोसिटी आ गया, मतलब कौन सी चैप्टर है ये अपना है फ्लूड मैकेनिक्स से। ओके, टू स्मोरिकल स्फेरिकल मेटल बॉल हैविंग इक्वल मास आर मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू, द गिवन रिलेशन इज दैट रो वन इज 8 टाइम ऑफ रो टू, हैव रेडियस 1 mm एंड 2 mm रेस्पेक्ट, दे आर मेड ऑफ द टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस मीडियम, मतलब विस्कोसिटी वाला कंसेप्ट लगाना है कुल मिला के। ओके, हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू नीटा एंड हुज डेंसिटी इज 0.1 rho 2, द रेशो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी वुड बी, टर्मिनल वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला है बच्चों, ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है इसमें। VT जो आता है वो किसके इक्वल आता है, 2 × r² डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स ऑफ नीटा। ओके, विच इज मल्टीप्लाइड बाई जी सिग्मा माइनस ऑफ डेल। ओके बच्चा पार्टी, सो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो सॉरी कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर सिग्मा माइनस एस के। तो V1/V2 निकालोगे आप तो वो कैसे लिखोगे बच्चों, वो आएगा R1/R2² मल्टीप्लाइड बाय σ1 − δ डिवाइडेड बाय σ2 − δ। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो और क्या। ओके, तो V1/V2 का जो रेशो आ जाएगा बच्चों वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये दे रखा है आपको 1/2, मतलब ये हो गया 1/4 है ना, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा। ओके, σ1 जो दे रखा है बच्चों आपको ये हो जाएगा 8 σ2, 8 टाइम्स दे रखा बच्चों आपको देखो। ओके, −0.1 σ2 डिवाइडेड बाय σ2 माइनस ऑफ 0.1 σ2। ओके, σ2 कट जाएगा बच्चों, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 79/36 मींस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ V0 m/s इन nth राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, ये आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना, मतलब आपको क्या डिसाइड करना है अल्फा। कुछ नहीं बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस पे भी फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन है। थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है 2πn के, जहाँ n फ्रीक्वेंसी आपको सब पता है। ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, V0/r के। ओके, तो आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हो, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा इनिशियल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2α θ। ओके, ओमेगा इनिशियल 0 है बिकॉज क्वेश्चन में बोल रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके,
सो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ओमेगा फाइनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। ओके, ओमेगा फाइनल को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, वी नोट बाई आर, सी हो जाएगा वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 थीटा की जगह आप पुट कर सकते हो 2 पाई एन। ओके, आफ्टर सॉल्विंग यू गेट वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एन आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। तो सर्कुलर मोशन से सवाल था, बेसिक सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके, फिर देखो बच्चों प्रश्न, अच्छा ये कौन सा सवाल, कौन से चैप्टर से बच्चों बताओ, काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स में भी कौन से, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी से। काफी इजी सवाल है बच्चों, वैसे पेन उठाने की जरूरत नहीं इसमें। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन, द कॉइन रीचेस द सेम फ्लोर इन टाइम t1 इफ द एलिवेटर एट रेस्ट एंड इन टाइम t2 इज एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली। ओके, देन t1 t2 का आपको बताना है। अब बच्चों आपको पता है कि t1 और t2 जो होंगे वो दोनों किसके इक्वल आएंगे, वो आएंगे √2h डिवाइडेड बाय z के। ओके, अब फ्री फॉल हो रहा है दोनों केस में, है ना। इन बोथ केसेस कॉइन फॉल्स फ्रीली, अब कॉइन फ्री फॉल हो रहा था, इसका मतलब t1 और t2 क्या आएंगे बच्चों, इक्वल आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, इसमें सोचना ही नहीं है। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्यूडो फोर्स से क्वेश्चन है बच्चों, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सवाल है एंड कंसेप्ट इज स्यूडो फोर्स। ओके, देख सकते हो बच्चों ये नीट में भी रिपीट हुआ है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, ट्रक वाला सवाल है, मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे इस पे एम जी लगता है। ओके, यहाँ पे ये स्यूडो फोर्स लगेगा, इस पे एम ए। ओके, एंड दिस इज द एंगल ऑफ थीटा। ओके, आपको बताना है टेन थीटा कितना आएगा बच्चों बताओ, टेन थीटा जो आएगा वो आएगा एम ए अपॉन एम जी मीन्स ऑफ ए बाई जी। थीटा निकालोगे कितना आएगा बच्चों, टेन इनवर्स ए बाई जी। ओके, टेन इनवर्स ए बाई जी किस में है बच्चों, टेन इनवर्स ए बाई जी ए की ऑप्शन है बच्चों, देखो सब कटकुट आ गई है। आपको डायरेक्शन पता हो या नहीं हो, रिजल्ट आते आप डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन पर टिक मार सकते हो। ये कितने हर चैप्टर हर टीचर पढ़ाता है बच्चों उसको, तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट है, ट्रक में या ट्रॉली में आपने सिंपल पेंडुलम हिंग कर दिया और वो गाड़ी आगे जा रही है, उसके ऊपर सूडो फोर्स पीछे लगेगा, ओब्वियसली थीटा, सबको रिजल्ट याद रहता है, टेन इनवर्स ए बाई जी, कोई बड़ी बात नहीं है। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्लूइड मैकेनिक्स से सवाल है बच्चों, देखो यूट्यूब की प्रॉब्लम है ये, देखो यूट्यूब वाला है ये, यूट्यूब वो यूट्यूब नहीं है, अलग यूट्यूब है ये। इन यूट्यूब है शोन इन द फिगर, वाटर एंड ऑयल आर इन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द ट्यूब रेस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ द बॉटम फ्रॉम द वाटर एंड ऑयल कॉलम्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज। बच्चों इसमें एक कंसेप्ट, एक ब्रह्मास्त्र है कि सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, बस यूट्यूब का सारे यूट्यूब के सवाल इस फंडे से जाते कि सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब अगर आप लिखोगे डेल ऑफ ऑयल मल्टीप्लाइड बाय जी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एच हाइट ऑफ ऑयल विच इज इक्वल्स टू डेल ऑफ H2O मीन्स वाटर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ H2O। जी तो गंगा जी नहाने गए, ओके, तो यहाँ से डेल ऑयल आप निकाल सकते हो विच इज इक्वल्स टू डेल ऑफ H2O मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय एच हाइट ऑफ ऑयल। ओके बच्चा पार्टी, डेल ऑफ H2O 1000 दिया हुआ साफ साफ, ये हो गया 1000, हाइट ऑफ H2O 15, हाइट ऑफ ऑयल 20। कहाँ से लिखा बच्चों, ये रहा और ये रहा, डायग्राम से दिख रहा साफ साफ। सोल्व करो बच्चों कितना आ रहा है, ये 750 दिख रहा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा रद्दी सवाल। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कौन से चैप्टर से बच्चों, ये भी पता होगा, ये तो दिख ही रहा सबको, फ्लूड मैकेनिक्स से है सवाल। ओके, यूट्यूब के सवाल काफ़ी फेमस है नीट में, बस एक चीज़ याद रखनी, सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
ए डीप रेक्टेंगुलर पोंड ऑफ सरफेस एरिया ए कंटेनिंग वाटर डेंसिटी दे रखी है आपको रो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है आपको एस, इज लोकेटेड इन ए रीजन वेयर द आउटसाइड एयर टेम्परेचर इज स्टेटेड वैल्यू -26°C, द थिकनेस ऑफ द फ्रोजन आइस लेयर। आइस लेयर वाला कंसेप्ट बच्चों ये आप वीडियो में भी जाके देख सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। इन दिस पॉन्ड एट अ सर्टन इंस्टेंट इज एक्स टेकिंग द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस एस के एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एल, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द थिकनेस ऑफ आइस लेयर एट दिस इंस्टेंट वुड बी गिवन बाय। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, आप ये इतना बड़ा सवाल दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत ही छोटा। देखो अभी इसको करते हैं, इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला, जब आप डी क्यू निकालते हो ओके, तो डी क्यू जब निकालोगे तो वो आएगा के मल्टीप्लाइड बाई ए डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी टी ओके, और इसी को क्या लिख सकते हो, क्यू को आप क्या लिखते हो एम एल, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो के ए है ना, ये सब क्वेश्चन में के ए रख दिया, डेल्टा टी मतलब डी टी ये कितना आ जाएगा जीरो ऑफ माइनस 26 डिवाइडेड बाय डी एक्स चेंज इन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी टी विच इज इक्वल टू एम एल। अच्छा एम को क्या लिख सकते हो बच्चों, रो इंटू ए इंटू डी एक्स, रो वी लिख सकते हो, और वो वॉल्यूम को क्या लिखोगे एरिया इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल। सो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी इजीली निकल जाएगा, सो डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू 26 के डिवाइडेड बाय रो एक्स एल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 ओके। ये कौन से हीट ट्रांसफर से बच्चों, ये भी गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलईडी वाला है, इसका मतलब कौन सा चैप्टर हो गया बच्चों, सेमी कंडक्टर ओके। एन एल ई डी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए पी एन जंक्शन डायोड यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, द एनर्जी गैप दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेवलेंथ निकालनी है आपको ओके। कोई बड़ी बात नहीं, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है बच्चों, लैम्डा जो आती है वो किसकी इक्वल आती है 12400, ये भी वीडियो में मैंने बता रखा है आपको, डिवाइड बाई 1.9, ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे रखी है ओके बच्चों। ये अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, ये 6526, ये किस में आती है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में आती है ओके। नैनोमीटर में चेंज करोगे लगभग ये आ जाएगा 652 या 654 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली ओके। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 2। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो ये लॉजिक गेट का सवाल है बच्चों, कौन से चैप्टर, सेमीकंडक्टर से है। द सर्किट डायग्राम शोन हियर इज द कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिक गेट ओके। ये देखते पता पड़ रहा है बच्चों, ये नोर गेट का है, ये कल परसों वाली वीडियो में ही मैंने बताया है आपको लॉजिक गेट के बारे में, आप देख सकते हो जाके आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नोर गेट की वीडियो है बच्चों, और नोर गेट के लिए एक्चुअली में आप ट्रू टेबल बनाओगे इसके लिए, तो कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा कैसे पहचाना वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे ये ए आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों ये सब आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी और ये आउटपुट वाई ओके बच्चों। देखो ओपन का मतलब होता है 0, क्लोज का मतलब होता है 1। 0 को ऑन भी बोलते हो, इसको आप सॉरी इसको ऑफ भी बोलते हो, और क्लोज का मतलब ऑन हो गया ओके। अब सोचो बात, जब यहाँ पे 0 0 रखोगे बच्चों, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। जब 0 रखोगे इसको और 1 रखोगे इसको, तो भी बल्ब नहीं जलेगा बच्चों, तो भी 0 आएगा ओके। जब इसको 1 रखोगे इसको 0 रखोगे, मतलब एक को बंद दूसरे को चालू रखोगे, फिर भी बल्ब नहीं चलेगा ओके। लेकिन जब आप इसको 1 और इसको 1 रखोगे ओके, जब इसको 1 और 1 रखोगे तो कितना आएगा बच्चों, नोर गेट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ गामा सीपी बाई सीवी फॉर हाइड्रोजन हीलियम एंड अनदर आइडियल डायटोमिक गैस एक्स हूज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशन मोड ओके। आपको बताना आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, तो बहुत इजी सवाल है ओके। हाइड्रोजन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन आपको पता है डायएटोमिक है, हाइड्रोजन इज डायएटोमिक, सो गामा कितना होगा बच्चों बताओ, 7/5 ओके। हीलियम क्या है, हीलियम मोनोएटोमिक गैस है ओके, तो गामा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 5/3। अच्छा 7/5 5/3 वाला कौन सा, ये कट गया ये कट गया, ये दोनों दिख गए बच्चों आपको ओके।
सो अगर आप एक्स के लिए निकालोगे बच्चा पार्टिकल फॉर एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, गामा 9/7। अच्छा गामा कैसे निकालते बच्चों, एफ प्लस टू बाई एफ, ये गामा का फॉर्मूला है। ओके सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब रे ऑप्टिक्स। ओके पावर पी है, इसको दो सिमेट्रिकल हाफ में आपने डिवाइड कर दिया बाय प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, द पावर ऑफ द वन पार्ट विल बी। इसको पहले बनाओ बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये एक लेंस है, आपने इसको ऐसे सिमेट्रिकली कट कर दिया, इट मीन्स ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, एक तो ये हो गया एंड सेकेंड इज दैट। अच्छा एक चीज सोचो बच्चों, क्या फोकल लेंथ में चेंज आया, नहीं फोकल लेंथ में चेंज नहीं है, तो जब फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा तो पावर में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज पावर आपको पता है 1/f होती है, तो इसका मतलब पावर p ही रहेगी। ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। ओके YDSC मतलब वेव ऑप्टिक्स। ओके इन YDSC एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट, ए पॉइंट ऑन स्क्रीन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमम हैज पास डिफरेंस। ओके अच्छा डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है बच्चों, आपको पता है डायरेक्टली फॉर्मूला है इसमें, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2। अच्छा ये n की जगह 5 पुट करो, 5 टू 10-1 9 लैम्डा बाई 2, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। सीधा सा कंसेप्ट बच्चों, सब हर टीचर पढ़ाता है इसको, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस सॉरी 2n-1 लैम्डा बाई 2, सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब कौन सा रे ऑप्टिक्स। डबल कॉन्वेक्स आ गया, इसका मतलब आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, आपको लगाना क्या है, लेंस मेकर लगाना है। फोकल लेंथ रखिए आपको 25 सेंटीमीटर, मतलब एफ विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चा पार्टी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सर्फेस डबल ऑफ द अदर, इसका मतलब R2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2R1 के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द रेडियस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल 1.5 दे रखा है। ओके फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल्स टू μ-1, लेकिन दो दे रखे हो तो आप कैसे लिखोगे, μ2/μ1-1, 1/r1-1/r2। ओके सो 1/25 विच इज इक्वल्स टू 1.5-1 डिवाइडेड बाई 1। ओके 1/r -2r, ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। ओके सो यहाँ से r1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मतलब r आ जाएगा आपके पास 18.75। ओके वो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके तो वो कितना आ जाएगा, 37.5, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट एंड सेम हाइट 200 मीटर विद द सेम वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ओके तो आपको बताना है व्हेन एंड वेयर विल टू बुलेट्स कोलाइड। अच्छा कोलिजन का सवाल है। ओके व्हेन एंड वेयर, सबसे पहले टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी आएगी, रिलेटिव VAB। ओके डिस्टेंस कितना, 100 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 25 -25। ओके ये आ जाएगा 50 ये कितना आ गया, 2। ओके इसका मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ओके बच्चा पार्टी, अब आपको निकालना है हाइट। हाइट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे एस इक्वल्स टू यू ग्रेविटेशनल है माइनस मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस हाफ ऑफ GT2। ओके सो एस की इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों, ये टर्म तो हो गई हमारी 0। ओके ये आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ जी की वैल्यू 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 10 लेना है। ओके टी का मतलब 4, ये कितना आ गया, माइनस ऑफ 20,
माइनस 20 का मतलब 200 में से माइनस 20 करोगे कितना आएगा, 180 आएगा, ऑप्शन नंबर वन। ओके अच्छा, माइनस 20 का मतलब क्या है, ये माइनस 20 है फ्रॉम टॉप। ओके तो ये 180 मीटर क्या आ जाएगा, फ्रॉम ग्राउंड। ओके बच्चा पार्टी, सो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या आपके एनसीईआरटी में किस चैप्टर किस नाम से ही, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। द स्ट्रेस कर्व आर ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट मटेरियल एक्स एंड वाई, इट्स ऑब्जर्व देयर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, है ना, मतलब यूएसपी, इसको बोलते हैं यूएसपी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ओके एंड द फ्रैक्चर पॉइंट मतलब एफपी आर क्लोज टू ईच अदर मटेरियल एक्स बट आर अ पार्ट ऑफ मटेरियल वाई, वी कैन से दैट द मटेरियल एक्स एंड वाई आर लाइकली टू बी। ओके अब देखो बच्चों, एक्स क्या होगा, ये एक्चुअली में थ्योरेटिकल सवाल है। एक्स जो होगा बच्चों वो होगा ब्रिटल। ब्रिटल क्यों होगा, क्योंकि यूएसपी और ईएफटी वेरी क्लोज। ओके और वाई जो होगा बच्चों वो क्या होगा, डक्टाइल होगा। ओके डक्टाइल क्यों होगा, यूएसपी और ईआईपी फोर अपार्ट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा है, ये थ्योरेटिकल सवाल है बच्चों, आप थ्योरी पढ़ोगे आपको दिख जाएगा, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये। ओके सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, थ्योरेटिकल सवाल है, कोई न्यूमेरिकल वाली बात नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको पता पड़ जाएगा क्या चीज़ है। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो एनएलएम से सवाल है, ये बॉडी ऑफ मास एम इज कैप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है अप्लाई किया है बट इट डज नॉट मूव। द नोटवर्थी पॉइंट दैट इट डज नॉट मूव, द रिजल्टेंट ऑफ ए नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एफ टी वेयर एफ इज। ओके कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे जो अब मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कैपिटल एफ और स्मॉल एफ इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब म्यू इंटू एम जी के इक्वल हो जाएगा, ये सबको आता है ये। ओके इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है बच्चों, एम जी के। अब बच्चों एक चीज़ सोचो, एफ आर जो होगा जब मूव नहीं करे बच्चों, देखो इट डज नॉट मूव, तो क्या रिलेशन लिखते अपन, एफ आर इज लेस देन इक्वल्स टू, अब इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे बच्चों आप, एम जी का और एफ का, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी का स्क्वायर प्लस स्मॉल एफ स्क्वायर। ओके तो एफ आर जो होगा बच्चों वो किसके लेस देन इक्वल होगा, एम जी स्क्वायर, एफ की वैल्यू रखोगे म्यू एम जी स्क्वायर। ओके एम जी स्क्वायर का इधर बाहर लोगे तो एम जी आ जाएगा, सो एफ आर जो होगा लेस देन इक्वल्स टू एम जी, अंदर क्या बच जाएगा, वन प्लस म्यू स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हर टीचर पढ़ाता है, ये भी नॉर्मल केस है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है ये भी। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये वर्क एनर्जी पावर से हो गया, एक्चुअली लगना तो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। देखो ए पार्टिकल ऑफ मास 5m, अच्छा पहले बनाओ 5m, ये 5m है, रेस्ट में ये रख दिया इसको रेस्ट में, विच इज इक्वल टू ए सडनली ब्रेक इंटू ऑन थ्री फ्रेगमेंट्स। ओके अब थ्री फ्रेगमेंट है बच्चों, मैं आपको बताऊँ, देखो ये थ्री फ्रेगमेंट का खंडा हर जगह फिक्स है। अच्छा ये सवाल और कहाँ मिलेगा आपको, नीट 2013 में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा आपको, AIPMT 2014 में मिलेगा आपको, और कहाँ मिलेगा, नीट 2019 उड़ीसा जो अभी आप सोल्व कर रहे हो उसमें मिलेगा। सेम कंसेप्ट सेम है, देखो डेटा तो हर कोई चेंज कर देता है। ओके एक तो जा रहा है एक्स एक्सिस में, एक जाएगा वाई एक्सिस में, ओके बच्चा पार्टी, और एक जाएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इधर। ओके इसका मतलब क्या हुआ, आप सोचो टू फ्रेगमेंट्स ऑफ मास एम, मतलब ये मास एम और ये मास एम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड वी ईच, है ना, इसका मतलब ये वी से और ये वी से। ओके इसका मतलब ये हो गया 3m और ये हो गया वी डैश। ओके अब सोचो बच्चों, ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना इसको, इसका यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, रूट टू एम वी, इसका मतलब ये हो गया रूट टू एम वी विच इज इक्वल टू 3m वी डैश। ओके बच्चा पार्टी ये हो गया।
अब यहाँ पे देखो देखो इसको और इसको इक्वल कर देना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा देखना भी। तो वी डी एच किसके इक्वल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया रूट 2/3 इंटू वी। ओके बस आपको वेलोसिटी आते है, एनर्जी तो बहुत बहुत छोटी बात है, वेलोसिटी लाना बहुत बड़ी बात है। ओके अब सोचो वेलोसिटी, अब इसकी टोटल एनर्जी बतानी है, द एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज तीनों की एनर्जी जोड़ दो, हाफ पहले का मास m वेलोसिटी v, फिर हाफ पहले दूसरे का मास m वेलोसिटी v, फिर हाफ तीसरे का मास 3m वेलोसिटी रूट 2/3 वी स्क्वायर। ओके तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1/2 1/2 वन हो गया, ये हो गया 4/3, 4/3 मीन्स ऑप्शन नंबर 4। कितना इजी सवाल है ये, डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी बच्चों आपको, कभी भी बम तीन थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है इसका। ओके बच्चा पार्टी समझ गए। ओके गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दैट, अच्छा देखो बच्चों क्या करना है इसमें, वर्क एनर्जी पावर से ही, ये भी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्टेड अपॉन बाय ए वेरिएबल फोर्स वेयर एक्स कंपोनेंट वेरीज विद एक्स इन मैनर शोन, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट एक्स 8 मीटर एंड 12 मीटर, वॉट वुड बी द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ नियरली डायग्राम पेंडिंग। ओके बच्चों आपको पता है अगर आप देखोगे 8 x इक्वल्स टू 8 मीटर, x इक्वल्स टू 8 मीटर पर देखोगे dW, आपको पता है कैसे निकालते हैं अपन, इंटीग्रेशन FdX मतलब एरिया अंडर द कर्व। ओके और अगर आप देखोगे डेल्टा K विच इज इक्वल्स टू वर्क डन, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 130। ओके सो 130 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा पार्टी, वो आ जाएगा हाफ इंटू मास कितना है 1/2, 500 ग्राम दे रखा है ना आपको, केजी में कन्वर्ट करोगे 1/2 आ जाएगा, हाफ एम मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी निकालोगे बच्चों कितना आ जाएगा 130 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो वी कितना आ जाएगा यहाँ से 22.8 मीटर पर सेकेंड। ओके सो थर्ड में देखोगे अगर आप x इक्वल टू 12 पे वेलोसिटी निकालोगे आपके पास कितनी आएगी 20.6, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ओके बच्चा पार्टी गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके रोटेशनल से सवाल है, सॉलिड सिलेंडर दे रखा मास 2 kg का एंड रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एन एंगल इंक्लिनेशन 30 degree, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन सरफेस विल बी। ओके ये आप ट्राई करो बच्चों स्क्रीन पॉज करके, रोटेशनल से सवाल है आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो उसको 2 मिनट। यस बच्चा पार्टी अब करते हैं इसको स्टार्ट। ओके सो द क्वेश्चन इज दैट, रोटेशनल मोशन से सवाल है बच्चों, तो आपको पता है कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फॉर द सिलेंडर, सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है 1/2। ओके और आपको पता है बच्चों देखो एक्चुअली में केस क्या है, केस ऐसे कुछ इस तरह से है, ये इंक्लाइन प्लेन दे रखा आपको। ओके यहाँ पे थीटा आपको दे रखा है 30 degree। ओके यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो है 4 meter per second। ओके यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है L, और यहाँ पे आके कितना हो गया 0। ओके बच्चा पार्टी ये हाइट आपको गिवन है h। ओके अब देखो आप जब इसके लिए टोटल एनर्जी लिखोगे
वो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम जी एच। ओके, सो आप लिखोगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास कितना टू, वेलोसिटी लिखोगे फोर का स्क्वायर 16, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है 1/2 विच इज इक्वल टू मास कितना टू, ये 10 और ये हो गया एच। ओके, सो यहाँ से एच कितना आ जाएगा बच्चों बाई सॉल्विंग, एच आ जाएगा आपके पास 1.2 मीटर। नाउ साइन थीटा निकालोगे आप विच इज इक्वल्स टू एच बाई एक्स हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, तो साइन थीटा हो जाएगा एच बाई एक्स, है ना, देखिए रहा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन सरफेस विल बी, सो एच बाई एक्स हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, सो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2h के आ जाएगा, 2h करोगे कितना आ जाएगा, h की वैल्यू 1.2 दे रखी है, आ जाएगा आपके पास 2.4 मींस ऑप्शन नंबर 4। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टोराइड्स मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से सवाल है। 1 एंड 2 हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 एंड 300, मतलब ये आपको दे रखा है n1 और ये आपको दे रखा है n2 रेस्पेक्टिवली विद एवरेज रेडियस 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इफ द करंट सेम है ना, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। बी टोराइड कितना होता है, बी टोराइड होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2πr। ओके, अब देखो बच्चों करंट सेम है तो बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। ओके बच्चा पार्टी, सो बी वन अपॉन बी टू विच इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू मल्टीप्लाइड बाय आर टू बाई आर वन, वैल्यू पुट करो ये हो जाएगा 200 अपॉन 100। ओके, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, आर टू कितना दे रखा 20, ये हो जाएगा 40। ओके, देखो वन वन ये और ये कट गया, ये टू टाइम्स कट गया, ये टू टू फोर कट गया, मतलब 1:1 ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, काफ़ी इजी सवाल था, न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते इसको, ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अपना, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है। ओके, टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी बताना आपको सेंटर ऑफ द लूप पे। ओके बच्चा पार्टी, देखो अब आपको पता है, देखो बी किसी भी वजह आर की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो बच्चों, कोई भी आर्क हो कितने भी एंगल पे, है ना, तो वो कितना आता है म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4π और इनटू रेडियस जाता है ना। अब बी वन जब निकालोगे बच्चों, अच्छा देखो इस यहाँ अगर ये 90 डिग्री है बच्चों, ये टोटल कितना हो गया, ये 270 हो गया। ओके, अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो बच्चों, तो यहाँ पे अंदर की तरफ आएगा बच्चों और इसकी तरफ से बाहर की तरफ आएगा बच्चा पार्टी। ओके, तो यहाँ देखो कि बी वन किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई वन थीटा वन डिवाइडेड बाय 4π और रेडियस तो सेम ही रहेगा। इस तरह से अगर आप बी टू लिखोगे सेकंड पार्ट के लिए, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट आई टू थीटा टू डिवाइडेड बाय 4πr। अच्छा अब आपको पता है बच्चों, जब आप देखोगे कि आर वन और आर टू का रेशो लिखोगे, ये मॉड्यूल में भी दे रखा है बच्चों, सेम टू सेम सवाल है ना, जीरो आएगा। देखो किसी भी सिमेट्रिकल से वैसे देखते हैं जीरो आता, फिर भी प्रूव करके बता देता हूँ। आर वन अपॉन आर टू जो होता है वो होता है बच्चों एल वन अपॉन एल टू, और यहाँ से देखोगे अगर आप आई टू अपॉन आई वन विच इज इक्वल्स टू थीटा वन अपॉन थीटा टू। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी वन और बी टू बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब टोटल बी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज एक की वजह से इनवर्ड है दूसरी की वजह से आउटवर्ड है, तो इक्वल अपोजिट हो गए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये वैसे सिमेट्रिकल में भी पढ़ाया जाता है बच्चों, किसी भी सिमेट्रिक एंड से एंटर करे और उसे बाहर निकल जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, सेंटर पे जीरो आता है। ओके बच्चा पार्टी, ओके, सो अभी तक अपन ने देखे ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सारे बहुत सारे इजी सवाल डाले हुए हैं, तो नीट में पेपर बच्चों बहुत ही ईजी आता है, कोई कोई नहीं कह सकता पेपर टफ आता है।
बस वहाँ पे थोड़ा दिमाग चलना चाहिए आपका, डिपेंड करता है उसके ऊपर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद द टाइम ऑफ फोर टाइप्स ऑफ जनरेटर आर शोन इन द फिगर। कौन से चैप्टर से बच्चों? ये है अल्टरनेटिंग करंट से। वैसे ईएमआई से भी जनरेट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको बोल रहा है किसको एसी बोलेंगे बच्चों। एसी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। कैसे चेंज होते हैं बच्चों? पोलरिटी चेंज होती रहती है उनकी। इसमें पोलरिटी चेंज हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें भी हो रही है। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड है ना, बिकॉज ऑल ऑप्शन शोज चेंज इन द पोलरिटी। सो सारे ग्राफ सही हैं अपने। ओके बच्चा पार्टी, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट मतलब कौन सी है? ऑटोमिक फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स से सवाल है ये, ऑटोमिक फिजिक्स। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू 0.51 एंगस्ट्रॉम एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय म्यूऑन, ओके म्यूऑन दे रखा आपको, म्यू माइनस चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड मास जो दे रखा 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट बोहर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। अच्छा बच्चों, जो जो डेटा दे रखा है वो लिख लो, बहुत इजी सवाल है ये वैसे। मास ऑफ म्यू विच इज इक्वल टू 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू आपको पता है वो कितना होता है, 1836। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी नोन। ओके अब आप रिड्यूस मास निकालोगे, क्या होता है दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाय दोनों का ऐड। तो मास ऑफ म्यू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ म्यू प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। ओके वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 207 मल्टीप्लाइड बाय 1836 एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 207 प्लस 1836 एम ई। इसको सॉल्व करना है, ये आएगा 186 एम ई। ओके फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालते हो बच्चों? फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस निकालोगे आर वन डैश विच इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय आर वन अपॉन म्यू। ये आ जाएगा आर वन डैश विच इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू आर वन कितनी होती है बच्चों? 0.51 एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में चेंज करोगे कितना आएगा? 10^-10 डिवाइडेड बाय ये मास ऑफ म्यू कितना हो जाएगा? 1836 म्यू हो जाएगा बच्चा पार्टी। इस तरह से अगर आप एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? जैसे आपने रेडियस निकाला वैसे एनर्जी निकल जाएगी। तो ई आई डैश किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू बाय एम इंटू ई आई। ओके इसको 1836 रख देना, इसको ई रहने देना, इसकी जगह क्या कर दोगे बच्चों? -13.6। ये -2.8 के लगभग आएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके तो ये एक्चुअली में नया कंसेप्ट है नीट के लिए, हालांकि ए ट्रिपल एम पढ़ाया जाता है इसको। ओके बच्चा पार्टी, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इन द सर्किट शोन इज। अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है बच्चों। ओके सबसे पहले टोटल करंट निकालो, उसमें से टोटल करंट कितना आएगा। ओके बच्चा पार्टी, अच्छा टोटल करंट निकालोगे आप आई इक्वल्स टू वी बाई आर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2/25 एम्पीयर। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ से अगर करंट डिवाइड करोगे तो आई वन भी कितना आ जाएगा? आई वन आ जाएगा 1/25 और आई टू भी कितना आ जाएगा? 1/25। ओके बच्चा पार्टी, अब आप रीडिंग निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/25 मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस ऑफ 1/25 मल्टीप्लाइड ऑफ 20। ओके है ना, वोल्टमीटर का पूछ रहा ना बच्चों आपको, ये वी वन, ये वी वन है, ये वी वन और ये वी टू है। ओके बच्चा पार्टी, तो मतलब रीडिंग निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं? वी वन माइनस वी टू तो निकाल रहे हैं। ओके तो ये अपन क्या निकाल रहे हैं बच्चा पार्टी? वी वन माइनस वी टू निकाल रहे हैं। ओके ये 30/25 माइनस 20/25 10/25 मतलब
4, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके बच्चा पार्टी, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, मीटर बीच का सवाल है बच्चों। पी बाई क्यू एल वन अपॉन एल टू के इक्वल होता है, सबको पता है पी बाई क्यू एल वन अपॉन एल टू के इक्वल होता है। इंटरचेंज कर दो पोजीशन किलोमीटर की, कोई इफेक्ट नहीं होता बच्चों, कोई इफेक्ट नहीं होता, लिखवा रखा हर चीज़ हर टीचर पढ़ाता है इसको कि अगर आप इन किलोमीटर की पोजीशन चेंज कर दो तो क्या बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पी बाई क्यू अपॉन एल वन अपॉन एल टू ही आएगा इसका मतलब, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। ओके पी बाई क्यू विच इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। अच्छा क्या कंसेप्ट था, ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ सेल एंड किलोमीटर द बैलेंस कंडीशन डज नॉट चेंज। बैलेंस कंडीशन कभी भी इफेक्ट नहीं होती है, किलोमीटर और सेल की पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दोगे तो। ओके गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन अमंग द थ्री एलिमेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से, नेमली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड डिप। ओके आपको पता है बच्चों ये डायरेक्टली आ रही है, ये तो ट्वेल्थ बोर्ड का सवाल है, देखो उसको सोल्व, एक ही डायग्राम आता है बच्चों उसको लर्न करने का, वो ये है, जैसे यहाँ पे ये बी एच है। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे वर्टिकल है बी वी और यहाँ पे टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी ई। ओके और ये जो एंगल आता है इसको आप क्या बोलते हो, डेल। तो आपको पता है बी एच जो होता है वो टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कोस होता है और वर्टिकल जो होता है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का साइन होता है। ओके तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंपल हो गया सवाल। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ रेडियो मतलब न्यूक्लियर वाले चैप्टर से है ये, रेडियो डिस इंटीग्रेशन एट इंस्टेंट ऑफ रेडियो सिंपल ऑफ हाफ लाइफ दे रखी, मतलब आपको दे रखा टी हाफ। ओके एंड इज 10^10, ओके 10^10 सेकेंड इनवर्स द नंबर ऑफ रिडक्टिव एटीएम्स इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंसेस। अच्छा बच्चा टी हाफ कितना दे रखा आपको, दो दे रखा 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10^9। आर जो दे रखा आपको आर वो कितना दे रखा बच्चों, 10^10 सेकेंड इनवर्स। अच्छा आपको पता है बच्चों आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एन लेमडा के, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा आर अपॉन लेमडा के, और लेमडा को और क्या लिख सकते हो बच्चों 0.693 अपॉन टी हाफ, तो ये टी हाफ ऊपर चला जाएगा, बस एन आ गया, आर की वैल्यू पुट कर दो, आर दे रखा है आपको 10^10 डिवाइडेड बाय 0.693 मल्टीप्लाइड बाय टी हाफ 2.2 × 10^9। After solving you get 3.17 multiplied by 10^19। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 hours एट ए हाइट 6 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ from the surface of the time period of another satellite whose height is 2.5 times of radius of earth from the surface will be। बस केपलर का लॉ लगाओ उसमें और क्या है, ग्रेविटेशन से टाइम पीरियड का एक ही रिलेशन है ग्रेविटेशन में, तो सो वी नो T2/T1 विच इज इक्वल टू R2/R1 पावर 3/2। सो T2/T1 विच इज इक्वल टू R2 कितना हो जाएगा बच्चों, R प्लस 2.5 R डिवाइड बाई R1 कितना हो जाएगा, R प्लस कितना टाइम्स है 6 times है ना, ये हो जाएगा 6R पावर ऑफ 3/2। सो T2/T1 T1 की वैल्यू रख दो अब 24। ओके इसको सॉल्व करोगे कितना आया 1/2√2। सो T2 कितना आ जाएगा 12 हो गया, 12/√2 6√2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट कनेक्टेड एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर, द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड डीसी सोर्स गिव 12 वोल्ट 4.8 द सर्किट इज। अच्छा जेड निकालो पहले, सबसे अच्छा तरीका जेड निकालो, वी बाई आई, वी कितना
12, 0.2, 60 ओम आ गया ये, ओके। आर निकालो, कितना आ गया 12 डिवाइड बाय करंट कितना 0.4, 30 ओम आ गया। अच्छा बताओ कौन सा सर्किट हो गया बच्चों, ये LR सर्किट हो गया ये, है ना, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। अब बच्चों सी तो है ही नहीं इसमें, वैसे भी एक ही ऑप्शन दिखता है वैसे देखा जाए तो, ओके बच्चा पार्टी। अरे थोड़ा बेसिक दिमाग लगाओगे तो सी कहाँ है इसमें मुझे बताओ आप, ओके। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 रोटेटरी ओमेगा दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है आपको, बी दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर ईएमएफ बताना है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सबने पढ़ा है ये फॉर्मूला, मैं ये मानता हूँ सबने पढ़ा है ये। हाफ बी दे रखा है आपको कितना, बी कहाँ गया ये रहा 0.1, ओमेगा कितना 10, रेडियस कितना 1/2 का स्क्वायर, ओके। सॉल्व करो उसको कितना आ रहा है 0.125, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए ट्रांसमिटिंग मीडियम रिलेटिव परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर 1 and 1.44, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मीडियम। बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला आता है इसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम विच इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके। इन सब की वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू रखो 3 × 10⁸, इन सबको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 1.44 आएगा, ओके। रूट ऑफ 1.44 करोगे ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.5 के लगभग, मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, मीन्स ऑप्शन नंबर 1। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्फीयर इंक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अच्छा देखते ही आंसर 0 आएगा इसका तो। अरे बच्चों कोई भी गाउसियन सरफेस में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखोगे यार, नेट चार्ज कितना आ जाएगा 0, क्यू नेट 0, 5, 0, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपेसिटर का सवाल है बच्चों, ध्यान से देखना। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, मतलब दोनों को सी कंसीडर कर लो, ओके। आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट टर्मिनल्स ए एंड बी एफ की आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर C1 यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट, नाउ डिसकनेक्टिंग ए एंड बी द टर्मिनल्स बी एंड सी आर कनेक्टेड, ओके। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा अब ये किस में आया बच्चों, 2017 में भी आया हुआ मेरे हिसाब से ये परसेंटेज लॉस, ये IIT में भी आया हुआ सवाल है ये बार बार रिपीट होता है बच्चों, ओके। तो यू इनिशियल अगर आप देखोगे वो कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर, ओके। जब ये केवल इससे कनेक्टेड होगा, जब ये दोनों से कनेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी तो क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो लॉस कितना हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे, दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ दोनों का एड, C1 C2 डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये V1 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 1/4 CV स्क्वायर, ओके। परसेंटेज लॉस निकालोगे, कैसे निकालते हैं परसेंटेज लॉस, 1/4 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 CV स्क्वायर, कितना आ रहा 50% आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3, ओके। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरर से सवाल है बच्चों, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर एज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विद एन माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, द लीस्ट काउंट बताना आपको, ओके। इसको बच्चों थोड़ा डीपली करते हैं देखो, सो द सॉल्यूशन इज दैट लीस्ट काउंट विच इज इक्वल टू 1 MSD माइनस ऑफ 1 VSD, ओके। और आप n टाइम्स ऑफ VSD है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ MSD, ओके। सो 1 VSD किसके इक्वल हो जाएगा, 1 VSD विच इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ MSD, ओके बच्चा पार्टी। सो LC आपको पता है 1 MSD माइनस 1 VSD है, इसकी वैल्यू पुट करो इसमें,
तो आपके पास लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, है ना। VSD की जगह रख दो बस ये MSD, और कुछ नहीं है। तो वन तो ये MSD में ही रहेगा, ओके। MSD अगर कॉमन ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ n माइनस वन अपॉन n, कॉमन क्या ले लिया आपने, MSD। सोल्व करोगे इसको कितना आएगा, ये n माइनस माइनस n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वन बाई n MSD, ओके। नाउ फॉर n डिवीजन पर सेंटीमीटर यू कैन राइट एल सी विच इज इक्वल टू वन बाई एन मल्टीप्लाइड बाई वन बाई एन सेंटीमीटर, सो विच इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काइनेमेटिक से सवाल है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, वी एवरेज कितना होता है, आप सबको पता है एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ना, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, x प्लस एक्स। आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता पड़ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ओके। ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 2 बाई v विच इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बीएम शर्मा का सवाल है बच्चों ये, एज इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ग्रेविटेशन से सवाल आ गया, ओके। अज्यूमिंग दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जीरो है, सही रेफरेंस पॉइंट मानते हैं इसको, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इन माइनस इनिशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम व्हेन टेकन एट अ हाइट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर इज गिवन बाय, ओके। सो अब इसके लिए तो देने का भी जरूरी नहीं, आपको डेल्टा यू का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनस ऑफ जी मास m वन अपॉन कितने हाइट पे ले गया, r प्लस एस माइनस पहले किस पे था, r पे। सोल्व करोगे इसको कितना आएगा, g m m h डिवाइडेड बाय r r प्लस एच, ओके। g m1 m2 है बच्चों, ये है ना, कैपिटल m स्मॉल m है ना। सो कौन सा आंसर आ गया बच्चों, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर बच्चों 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ 1 वॉल्यूम दे रखा है, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, ऑटोमिक्स प्रेशर दे रखा है, स्टीम फॉर्म इक्वल इतना दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है। सो क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला बताओगे आप, विच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये सबको पता है, केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो। क्यू को आप लिख दोगे एम एल विच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डब्ल्यू को लिख दोगे आप पी डेल्टा वी, बस हो गया काम, ओके। सो एम एल की जगह ये हो गया 1, ये हो गया 2256, ये गिवन है क्वेश्चन में, ओके। विच इज इक्वल टू डेल्टा यू निकालना है, प्लस पी कितना 10^5, ये कितना हो गया 1670, है ना। देखो इसको इसमें से माइनस करोगे 1671 को एक में से, तो 1670 बचेगा आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब को उसमें चेंज करोगे, ये कितना आ जाएगा 10^6। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट डेल्टा यू इक्वल्स टू 2089, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये डिफ्रेक्शन से आ गया, मतलब वे ऑप्टिक्स से सवाल आ गया। डिफ्रेक्शन का एक ही फॉर्मूला है बच्चों, देखो थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाई डी के, ओके। तो थीटा वन अपॉन थीटा टू का रेशो निकालोगे, वो आ जाएगा लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू डी टू बाई डी वन, ओके। सो थीटा वन थीटा है, ये 0.70 आपको गिवन है, 30% रिड्यूस हो गया ना, है ना, ये हो गया 6000, दोनों डी हैं एक्चुअली में ये, है ना, लैम्डा बाई डी और 6000 बाई डी, तो ये हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम, ये गिवन है ना थीटा नोट पे, डिवाइडेड बाई डी, तो ये हो गया लैम्डा, और ये तो डी डी है ही है वैसे ही। सो लैम्डा कितना आ जाएगा आपके पास, 4200 एंगस्ट्रॉम, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। वर्क फंक्शन मटेरियल दे रखा है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैन बी फोटोन इमिशन फ्रॉम द सस्पेंशन पावर, बहुत ही रद्दी सवाल बच्चों, 12th क्लास का फॉर्म लगता है, एस न्यू नोट या एस सी अपॉन लैम्डा नोट, लैम्डा नोट निकालना है आपको, है ना। ये कितना दे रखा आपको, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस रख दो, एस सी की वैल्यू आपको पता ही है,
बारह चार सौ होती है, ये हो गया फोर इक्वल्स टू बारह चार सौ डिवाइड बाई लेमडा। लेमडा कितना आ जाएगा, बारह चार सौ डिवाइड बाई चार मतलब 310। लास्ट क्वेश्चन पहले भी बता रखा बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक ही फॉर्मूला है एच अपॉन रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। ओके, एच बचपन से कांस्टेंट, टू बचपन से कांस्टेंट है ना, काइनेटिक एनर्जी इसने कांस्टेंट कर दी। प्रोटॉन किस किस का बताना आपको, प्रोटॉन का और अल्फा का। ओके, तो आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा ई टू ई एम टू एम और फोर एम। ओके, आपको मास से चेंज काम चाहिए तो लेमडा प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लेमडा अल्फा विच इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा मास ऑफ प्रोटॉन, ये फोर टाइम्स होता है, ये एम ये रूट टू रेशो वन मतलब ऑप्शन नंबर वन। आई होप बच्चों आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको और भी किसी चैप्टर का या और भी किसी ईयर का आपको पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।